आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, आप जो अपने थंबनेल को अपने वीडियो पर लगा ही नहीं पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, आप अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करके जैसे आप थंबनेल वाला सेक्शन पर जाके आप उस पर आप उस वीडियो पर थंबनेल लगाना चाहते हो, इसके बाद कुछ इस तरह यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, बोलता है आपका थंबनेल जो यहाँ पर अभी लग ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं लगता है और इसको जो सिर्फ एक मिनट के अंदर में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ मैं आपको डिटेल बताऊंगा विथ लाइव प्रूफ करके। ठीक है दोस्तों, मेरे भी चैनल पर कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन मैं कुछ जो है यहाँ पर कुछ तुरंत मेरा जो है वो वाला प्रॉब्लम हट गया। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ ये जो प्रॉब्लम क्यों आता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने एक नया चैनल ओपन किया है और उस पर वीडियो तो डाल रहे हो और लेकिन दोस्तों आप उसमें जो अपना नंबर वेरीफाई नहीं किए उस चैनल को, तो ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने जो है चैनल को वेरीफाई करके साथ में आप उस वीडियो का थंबनेल कैसे लगा सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, मेरा जो मेरा चैनल पर जो मेरे चैनल वेरीफाई नहीं है, मेरा भी चैनल पर सेम ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ उसको मतलब वेरीफाई करके और मैंने तुरंत लगा भी लिया। ठीक है, और मैं आपको इस वीडियो में वही बताने जा रहा हूँ, तो अरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहेगा, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करके साथ में घंटी को ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट मोबाइल के स्क्रीन पर कैसे आपको जो है थंबनेल लगाना है अपने जो है स्मार्टफोन से खुद से। ठीक है, तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, ठीक है, ये रहा मेरा YT स्टूडियो, मैंने इसको ओपन किया, देन हम एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, और एक न्यू चैनल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो कंटेंट पर आके, तो देख सकते हैं मैंने एक वीडियो डेमो के लिए मैंने अपलोड किया जो कि 5 सेकंड का। ठीक है, और इसका मैं टाइटल वोटल सारा मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं थंबनेल लगाने के ऑप्शन यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ पेंसिल वाला आइकन पर, तो इसके बगल जैसे यहाँ पर पेंसिल वाला आइकन है, ठीक है, ये रहा पेंसिल वाला जो आइकन है ये वाला, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है डिम हो चुका है। ठीक है, मतलब आ ही नहीं रहा है, तो इसके लाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, लर्न मोर पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके जो भी जीमेल आईडी है उसको आप सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिस भी आप चैनल बनाए उसको कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है उस पर सर्च कर देना है। ठीक है, सर्च करने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर सर्च वाला आइकन आपको दिखाई देगा इस पर, तो आपको क्या करना है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई लिखना है। ठीक है, वेरीफाई योर यूट्यूब चैनल अकाउंट, इस पर आपको करके यहाँ पर सर्च कर देना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा, आपको वेरीफाई योर चैनल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो यहाँ पर मेरा वेरीफाई बता रहा है, चलिए मैं यहाँ पर इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा दूसरा अकाउंट वेरीफाई करना है, सो मैंने उस चैनल को लॉगिन कर लिया। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर जो है आपको गेट कोड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट कोड पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद दोस्तों ये आपके फ़ोन में एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद जैसे आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, तैसे ऑटोमेटिक आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से बहुत चैनल को वेरीफाई किया इस नंबर से, इस कारण मेरा दे नहीं रहा है। आप जैसे मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP आएगा, OTP फिल करने के बाद आप सबमिट पर जैसे क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आपका चैनल सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ से आप लगा सकते हैं थंबनेल को। ठीक है, सो इस तरह आप जो है चुटकियों में वेरीफाई को जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।